135 करोड़ की आबादी वाला हमारा हिंदुस्तान भिन्नताओं का देश है, लेकिन फिर भी हमारे महानगरों में एक समानता है और वो है ट्रैफिक की समस्या। ये समस्या लोगों के जरूरी काम में देरी नहीं करती, बल्कि इस ट्रैफिक की वजह से आर्थिक मोर्चे पर पैसे की बर्बादी, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है। कैसे ये हम आपको समझाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको हम ये बता दें कि हमारे देश में दो शहर विश्व में सबसे खराब ट्रैफिक जैम वाले शहरों की सूची में टॉप 10 में जगह बना चुके हैं। और इन दो शहरों में पहला नाम है व्यावसायिक राजधानी मुंबई का, जबकि दूसरा नाम देश की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु का। और ये दोनों ही शहर लिस्ट में 5वें और 10वें पायदान पर है। यहां के लोगों को 30 मिनट का सफर पूरा करने में करीब करीब 71% ज्यादा वक्त लगता है। ट्रैफिक इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेदरलैंड की नेविगेशन कंपनी टॉमटॉम ने जारी किए हैं कुछ आंकड़े। विश्व में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में शुमार बेंगलुरु की बात अगर हम करें तो जान से कितने वाहन फंसे और कितना ईंधन व्यर्थ गया, इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। बेंगलुरु में हर साल 38,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। पीक आवर्स ट्रैफिक के दौरान यात्रा करने पर करीब 162% अधिक वक्त लगता है। और इस खर्च को अगर हम ऐसे समझाते हैं कि अगर कहीं किसी रुकावट के चलते 30 मिनट में 38 से 45 भारी वाहन और लगभग 250 कार जाम की लाइन में लग जाती हैं और वहां 1 किलोमीटर लंबा जाम है, तो 110 से ज्यादा भारी वाहन और करीब 630 छोटी गाड़ियां जाम में फंसती हैं। इस दौरान वाहन का इंजन चालू रहता है, वाहन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे सरकते हैं तो 50% ईंधन ज्यादा खपत होता है। जाम में फंसने के कारण अतिरिक्त पेट्रोल डीजल खर्च होता है, लेकिन दूरी कुछ भी तय नहीं। जो वाहन 15 किलोमीटर प्रति लीटर की औसत निकालता है, जाम में फंसने के बाद ये औसत 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे प्रति लीटर रह जाती है। यानी कि एक वाहन जो करीब 50 से 60 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से एक लीटर में 15 किलोमीटर की औसत निकालता है, ट्रैफिक जाम में फंसने पर यह औसत घटकर आधी रह जाती है। तो बेंगलुरु में वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए और केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें काम कर रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए स्काईबस सेवा का प्रस्ताव दिया है। स्काईबस यानी कि मेट्रो की तरह चलने वाली बस, लेकिन इसमें अंतर यह होगा कि सड़कों के ऊपर एक एलिवेटेड ट्रैक पर यह चलती है, जिसमें बैठने का स्थान नीचे की तरफ होता है। पहली बात तो ऐसी कि बंगलोर को और बंगलोर के आउटर पार्ट को अच्छा करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने जो कुछ निर्णय किए और जो काम कर रहे हैं उसमें से ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बना रहे हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। दैट रोड इज बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे, NHAI बना रही है। बेंगलोर के अंदर कुछ जगह पर 3 लेयर ब्रिजेस, जैसे नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो, तो हमने उस प्रकार से पूरा प्लान बनाकर उसका स्टडी करके वो भी करने के आदेश मैंने दिए हैं। उसमें हम काम करके ये हमारे जो नए रोड बन रही है सब, इसको जोड़कर बंगलोर की तरफ आने वाले रोड जो NH है उनको भी, जो शहर के अंदर जाते हैं, उसको डेवलप करके एक प्लान हम तैयार कर रहे हैं।